सलाम अर्ज़ करता हूँ व्यूअर्स, मैं हुसैन काजमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एच के मैन्यू। व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बहुत मज़े की, बहुत मज़ेदार और मीठी डिश बन रही है, मूंग की बर्फ़ी। बहुत अच्छी, यकीनन इससे पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी और ना ही मार्केट में मिलती है। घर में रखी हुई चंद चीज़ों से आप बेहतरीन चीज़ बना सकते हैं। तो आइए मेरे किचन में और मेरे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और बनाते हैं मूंग की बर्फ़ी। बहुत मज़ेदार, बहुत खुश शक्ल। तो चलते हैं प्रोसेस की जानिब और बनाते हैं मूंग की बर्फ़ी। सबसे पहले जो काम करना है, हम खोपरे को जो है मैंने भिगो के रखा है। ताज़ा नारियल मिले तो बहुत अच्छी बात है। खोपरे के आपने तीन बॉल लेने हैं, बॉल बने होते हैं जो, तो उनको अच्छे से आप कद्दूकश कर लें बारीक वाली साइड से। दूध लिए हाफ के जी, बॉयल करने रख देंगे धीमी आंच पर। और साथ ही मैंने ली है मूंग की दाल, ली है हाफ कप, भिगो के रखी थी अच्छे तरीके से, सिल बट्टा पे उसको पीसा है। पीसने के बाद हम उसको थोड़ा सा भूनेंगे, एक चम्मच ऑयल का डाला है, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। और मूंग की दाल को भूनेंगे ताकि उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। व्यूअर, बहुत ही झटपट और इंतहाई मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी और बच्चों को तो बे इंतहा पसंद आती है। और ऐसी मिठाइयाँ घर में तैयार करें, कोई भी फंक्शन हो, कोई चीज़ हो ऐसी जो आपको अच्छी लगे, तो आप उसे ज़रूर बनाइए और मेहमानों को खिलाइए। बाज़ार से कम बजट में आप अपने घर पर बेहतरीन किस्म की मिठाई और भी बहुत सी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी तरद्दुद की बात है लेकिन बेहतरीन चीज़ बनकर आएगी। हाफ कप डालेंगे इसमें चीनी का, और जितनी भी दाल आपने भून कर रखी है वो इसमें शामिल कर दें और फौरन इसका जो चम्मच है आप हिलाने लग जाएं, ऐसा ना हो कि गुठलियां बन जाएं। दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो शामिल करते हैं चार चम्मच छोटे ड्राई मिल्क के। घर घर में रखा होता है, दूध भी होता है, ड्राई मिल्क भी होता है, चीनी भी होगी, मूंग की दाल तो लाजमी होती है, तो आपको बाज़ार से कुछ भी ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट भी थोड़े बहुत रखे होते हैं। क्रीम डालेंगे इसमें हाफ कप के करीब। और साथ ही हमने डाल दिया खोपरा दो कप। सारा कमाल इसमें खोपरे का है, बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे और कुछ हम रख लेंगे बचाकर गार्निशिंग के लिए। अच्छे से भूनना है जब तक दूध खुश्क नहीं हो जाता। जब गाढ़ा होने लगेगा तो फिर हम इसमें डालेंगे फूड कलर।
आपने देखा गाढ़ा हो गया और बिल्कुल जो है बर्तन के साथ बिल्कुल भी नहीं लग रहा जो मैरिनेशन है हमारा। और आप ये देखिए, मैंने एक चम्मच भी इसमें ऑयल का नहीं डाला पूरी बर्फ़ी में, सिवाय मूंग की दाल जो थोड़ी सी भुनी उसमें डाला, कोई घी नहीं डाला, इसलिए ये जो है ज़्यादा हैवी नहीं होगी मिठाई। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा फूड कलर, थोड़ी दिखने में अच्छी लगेगी तो बेहतरीन लगेगी। अगर इलायची पाउडर रखा है आपके पास तो वो डाल दीजिए, वरना शुरू में इलायची के दो तीन दाने डाल दीजिए। मेरे पास इलायची पाउडर है तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1/2 टीस्पून। तो बर्फ़ी हमारी जो है तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगले स्टेप की जानिब जाते हैं, बर्तन लेंगे साफ़ सुथरा सा और अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, चारों तरफ इसके ऑयल जो है कोट कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे हमारी जो बर्फ़ी का बना हुआ है, ये हलवा टाइप की चीज़ है जो, ये डाल देंगे। अच्छे से इसको प्रेस करेंगे कट लगा लेते हैं इसके अपनी पसंद के, जिस तरीके से आप काटना चाहें। कट लगाने के बाद हम इस पे डालेंगे कोई भी आपके पास ड्राई फ्रूट है वो डाल दीजिए और ऊपर से इसको प्रेस कर दीजिए अच्छे से, ताकि ड्राई फ्रूट निकले नहीं जब आप बर्फ़ी निकालना चाहें तो। व्यूअर्स, इसके बाद जो आखिरी स्टेप है वो है बर्फ़ी जब आपकी जम जाएगी, इसको कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें, उसके बाद इसकी दोबारा से कोटिंग करें खोपरे की और प्रेजेंट करें दोस्तों को, मेहमानों को। बहुत खुश शक्ल और बहुत मज़ेदार किस्म की मिठाई बनकर तैयार होगी। तो मुझे उम्मीद है ये झटपट रेसिपी व्यूअर्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूँ झटपट मज़ेदार और इंतहाई इकोनॉमिकल रेसिपी। तो मैं इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को भी इसी तरह से हरा भरा रखे, अल्लाह हम सब की मुश्किलात दूर करे और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।